मैं राकेश बंटी बत्रा, चेयरमैन नगर पालिका कलानौर, आप सभी साथियों को, व्यापारी भाइयों को जन क्रांति यात्रा होटल में शामिल होने की अपील करता हूं। आप सभी व्यापारी भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 25 तारीख को होटल में जन क्रांति यात्रा में पहुंचकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथ मजबूत करें, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। धन्यवाद। जय। गुहला निगरानी समिति के अध्यक्ष देवेंद्र हंस सीएम विंडो में आने वाली शिकायतों का निपटारा करने के लिए घग्गर पार के गांवों का दौरा कर रहे थे। इसी दौरान जहां देवेंद्र हंस मेगड़ा गांव में लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे, तभी घग्गर पार के ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर विधायक कुलवंत बाजीगर और बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की सूचना मिलते ही देवेंद्र हंस मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से प्रदर्शन करने की वजह पूछी तो ग्रामीणों ने बताया कि उनकी सड़क पिछले काफी सालों से खराब हालत में है और इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया। उन्होंने बताया कि ये सड़क 20 से 22 गांवों को आपस में जोड़ती है। ग्रामीणों ने बताया कि आपातकाल की स्थिति में भी वो आने जाने के लिए इस सड़क का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहां से मात्र 5 किलोमीटर दूर पंजाब के पटियाला शहर की सीमा शुरू हो जाती है। उन्होंने बताया कि समस्या को लेकर वो कई बार स्थानीय विधायक से मिल चुके हैं, लेकिन स्थानीय विधायक द्वारा सड़क निर्माण के लिए कोई भी संतुष्ट जवाब नहीं दिया गया। आपको सुनाते हैं कि अपनी शिकायत करते हुए ग्रामीणों ने और क्या क्या कहा। ये सर हमारा इस सड़क के बारे में है, जो भी ये सड़क हमको घग्गर पार एरिया से मिलाती है, क्योंकि हमें चंडीगढ़ का यही रास्ता नज़दीक है। अगर अच्छी हो जाए तो उसके लिए भी यही पटियाला चंडीगढ़ को जोड़ता है और घग्गर पार के कई गाँव हैं, 20-22 गाँव हैं जिनसे हमारा ये रास्ता जुड़ता है। सरकार तो आपने स्थानीय विधायक को सरकार को अवगत कराया? कई बार गए। तो क्या कहना है उनका कहना क्या? उनका रास्ता थोड़ा नहीं होना चाहिए, सड़क बना देंगे, आश्वासन देंगे, झूठे आश्वासन दिए, कोई सड़क बनाने का विचार नहीं। इसकी समस्या नहीं हुआ, मैंने ग्राही करका जो सारे गाँव कर रहा थे ग्राही करका, और जो पुल बना दिया था वो मीरा जी का बाबा आगा ले लिया था उसमें, तो जो पुल बना दिया पर सड़क नहीं बन रही। तो जो कितने गांव को जोड़ता है ये पुल? जो तो गाँव का अंतो नहीं, पटियाला तक ला ले, मानो पटियाला की समस्या, पटियाला नु जाए जे कोई मरीज इस तरह तौली ले जाना, पर जा कोई रास्ता नहीं है। बहरहाल देवेंद्र हंस ने लोगों को आश्वासन दिया है कि वो इस समस्या को मुख्यमंत्री के सामने जरूर रखेंगे। समस्याएं मैं किसी विंडो के माध्यम से एक एप्लीकेशन आई थी तो उस माध्यम से मैं आया था, तो सीएम विंडो का मैटर तो देखा है, बस साथ में जो एक अपना रास्ता है जो लगभग गांव ने बहुत अच्छा एक सराहने काम किया, मैं तो बधाई दूंगा इस गांव के छोटे से लेकर बड़े व्यक्तियों को भी, जिन्होंने अपनी नेक कमाई से अपनी मेहनत से इस पुल को अपने आप बनाया, किसी सरकार की कोई सहायता न लेते हुए अपना पुल निर्माण किया है। और रही रास्ते की बात, मैं सरपंच महोदय से बात की है और गांव के मौजूद आदमी से बात की है, एक बार सीएम साहब के पास इस एप्लीकेशन सड़क बनाने के लिए जो भी होगा पूरा काम करेंगे। वहीं ग्रामीणों के इस विरोध प्रदर्शन ने विधायक कुलवंत बाजीगर के विकास के दावों की भी पोल खोल कर रख दी है। अब देखना होगा कि समस्या पर कुलवंत बाजीगर क्या सफाई पेश करते हैं। सत्य खबर के लिए गुहला चीका से बीके गागट की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।